मेरा बैद गुरु खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी 31 मुख रागां दे विच दर्ज की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के लड़ीवार तरतीब अनुसार श्री राग तो शुरू होके सतगुरुआ जी की कृपा दे नाल गुरु ज्ञान टीवी इस चैनल के उपर असी वारों वार हर एपीसोड दे विच एक एक राग लैके उसका जो स्वरूप है अते उस राग विच दर्ज बाणी का एक शब्द गायन करके उस राग नूं समझण वास्ते ये उपराला गुरु ज्ञान मिशन की टीम पंथ प्रसिद्ध कथावाचक भाई राम सिंह जी तिन्हां दे उदम दे नाल सतगुरु जी की कृपा दे नाल ये आरंभ होया है। संगतां दे सन्मुख पिछले एपीसोड्स दे विच 8 राग सतगुरां ने कृपा करके सेवा लई है। अज दा राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच्चों एक प्रमुख राग गुरमुख संगीत परंपरा का राग सोरठ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच राग सोरठ विच पवित्र अंग 595 तों 659 अंग तक बाणी दर्ज है। गुरमुख संगीत परंपरा दे विच राग सोरठ एक प्रचलित अते बड़ा ही प्रिय राग है। इस बाणी दे विच सतगुरु इस राग दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच गुरु नानक देव महाराज, गुरु अमरदास साहिब, गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज अते सतगुरु नौवें सतगुरु गुरु नान गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज की बाणी दर्ज है। नाल ही नाल राग सोरठ विच भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी अते भगत भीखण जी की बाणी भी दर्ज है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज राग सोरठ के महत्व बारे इउं बचन करते हैं। सोरठ सो रस पीजीऐ कबहू ना फीका होए, नानक राम नाम गुण गाई है दरगाह निर्मल सोए। राग सोरठ विच दोवें निषाद कोमल अते शुद्ध लगते हैं अते बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। आरोह दे विच गंधार अते धैवत वर्जित है। अवरोह दे विच मध्यम तो ऋषभ विच आउण लग्यां मींड दे नाल गंधार का प्रयोग हुंदा है। राग सोरठ इसका वादी स्वर ऋषभ है अते संवादी धैवत है। थाट खमाज दा ए राग रात दे दूसरे पहर विच गाया जांदा है। इसकी जाति औड़व शाड़व है, भाव अवरोह विच 5 सुर लगते हैं अते अवरोह विच 6 सुरां दा सुमेल है। आओ राग सोरठ दा आरोह अते अवरोह उस बारे ध्यान मारिए। अवरोह दे विच
ਦੈਵਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੰਧਾਰ ਦਾ ਮੀਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਧਾ ਪਾ ਧਾ ਮਰ ਧਾ ਮਰ ਨੀਸਾ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੀ ਪਕੜ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਮੁੱਖ ਸਵਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਰੇ ਮਾ ਪਾਣੀ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾ ਨੀ ਸਰ ਮਰੇ ਨੀ ਸਰ ਨੇ ਧਾ ਪਾ ਨੀ ਸਾ ਰਾਗ ਸੁਰਟ ਦਾ ਇਸਦੇ ਸਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਸਵਰ ਵਿਸਥਾਰ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਨੌਵਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗ ਸੁਰਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੰਤਮ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗ 618 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ।
समरथ पुरख पूरन विधात समरथ पुरख समरथ पुरख पूरन विधात आपे समरथ पुरख पूरन विधाते समरथ पुरख पूरन विधाते आपे करने हारा अपना दास हार आप अपना दास हार आप उबारिया नानक नाम आधारा नानक नाम आधारा नानक नाम आधारा मेरा वैद जन्म जन्म के दुख निवारे जन्म जन्म के दुख निवारे सुखा मन साधारे सुखा मन साधारे दर्शन भेटत होत निहाला दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम विचारे हर का हर का नाम विचार मेरा वैद गुरु गोविंद मेरा वैद गुरु गोविंद मेरा वैद गुरु गोविंद मेरा वैद गुरु
ਇਹ ਸੀ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।